हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए जो रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ है उस पर क्लिक करिए। फिर जो साइड में बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कीजिए, जिससे आपको मेरी सारी वीडियोस के नोटिफिकेशंस सबसे पहले मिल सके। थैंक यू। हे गाइस, तो आज मैं कर रही हूँ क्लीन अप घर पे ही बायोटिक के प्रोडक्ट से जो मेरे पास रखे हुए हैं। तो मैं कैसे क्लीन अप करती हूँ उसके लिए मैं आपको बताती हूँ। मैं सबसे पहले मैंने जो हेयर बैंड लगा लिया अपने बालों को पीछे करने के लिए, उसके बाद जो है मैंने फेस वॉश पहले कर लिया था। तो अभी जो मैं लगा रही हूँ रोज़ वाटर स्प्रे करके फेस पे, और एक कॉटन बॉल की सहायता से मैं अपने फेस को एक क्लीन कर लूँगी। हम स्क्रब करने से पहले हमने अपने फेस को क्लीन करना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे मैं रोज़ वाटर की सहायता से अपने फेस को क्लीन कर लूँगी अच्छे से। और मेरी स्किन आपको दिख रही होगी थोड़े डार्क स्पॉट्स है, क्योंकि मुझे मेरी स्किन जो है ऑयली है, तो जब मैं केयर नहीं करती हूँ या बाहर जाती हूँ धूप में धूल मिट्टी में, तो फिर मुझे एक्ने आ जाते हैं और फिर डार्क स्पॉट्स रह जाते हैं। उसके बाद मैंने थोड़ा रोज़ वाटर स्प्रे किया है और अब मैं बायोटिक का लगा रही हूँ 10 रिमूवल स्क्रब बायो पपाया का ये, और अच्छे से फेस पे लगा के हमें स्क्रब करना है अपने फिंगर्स की हेल्प से। और ये स्क्रब जो है 10 रिमूवल स्क्रब है, तो आपकी ये 10 रिमूव करने में हेल्प करता है। और आप इसे अब 15 दिन में एक बार ही करें, ज़्यादा स्क्रब नहीं करना चाहिए हमें अपने फेस पे, तो 15 दिन में एक बार कर सकते हैं। और ये बहुत ही अच्छा स्क्रब है बायोटिक का, आप एक बार ज़रूर ट्राई करें, मुझे तो ये बहुत पसंद है। ऐसे मैं अच्छे से सर्कुलर मोशन में ऐसे फिंगर से हमें स्क्रब करना है, और जब थोड़ा सूख जाए ये तो फिर से रोज़ वाटर लेके या प्लेन वाटर लेके भी हम स्क्रब करें। और उसके बाद जो है ये ड्राई करने के लिए मैंने 5 मिनट ऐसे ही रख दिया था और ये ड्राई हो गया है। उसके बाद मैंने फेस वॉश कर लिया प्लेन वाटर से, और अच्छे से टावल से मैं अच्छे से सुखाऊंगी फेस को। और उसके बाद ये बायोटिक का जो है फेस पैक है, डी पिगमेंटेशन 10 रिमूवल फेस पैक है, ये भी बहुत अच्छा फेस पैक है, और ये भी हमारी 10 रिमूव करने में सहायता करता है। इसको अच्छे से लगा के मैं 15 से 20 मिनट तक के लिए रख दूंगी, और जब ये ड्राई हो जाएगा तो उस पर मैं रोज़ वाटर स्प्रे करके 2 मिनट के लिए मसाज करूंगी, और उसके बाद जो है प्लेन वाटर से मैं फेस वॉश कर लूँगी। और इसके बाद मैंने लिया है आइस क्यूब, तो 2 मिनट में आइस क्यूब से मसाज करूँगी अपने फेस पे। आइस क्यूब जो है हमारी स्किन टाइटनिंग में हेल्प करती है, तो इसलिए अगर आप किसी को ज़्यादा ठंडा लगता है आइस फेस पे डायरेक्ट लगाना, तो आप किसी कॉटन के कपड़े में लेके फिर आप ऐसे लगा सकते हैं आइस से। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लगा रही हूँ, और फेस जो है बहुत ही एकदम ठंडा ठंडा और सॉफ्ट लगता है पूरा क्लीन अप होने के बाद। तो अभी मैंने टॉवल से इसको सुखा लिया है, अब मैं लगाऊंगी क्रीम। मैं बायोटिक की बायो वाइट फेयरनेस क्रीम लगा रही हूँ, ये भी हमारी डार्क स्पॉट्स को कम करती है और फेयरनेस में हेल्प करती है। तो अच्छे से 2 मिनट मैं ऐसे मसाज करते हुए क्रीम को अप्लाई कर लूँगी। ऐसे लगाते हमें रख देना है, और हमारा क्लीन अप जो हो गया। तो आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई करें बायोटिक के प्रोडक्ट से। अगर आप लोगों को मेरा ये क्लीनअप का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं आपको मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।